ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਾ ਮਣਕਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆਇਆ ਦੇਖ ਯੈਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸਕੀ ਡਿਕਸ ਕੋ ਹਿਲਾ ਦਿਆ ਮਨ ਕੋ ਮੇ ਗੈਪ ਆਇਆ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਪਾਵਰ ਸੇ ਉਹ ਡਿਕਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏ ਉਹ ਮਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਰੋਗ ਡਿਕਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹਾ ਤੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀ ਕਿ ਕਿਆ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਇਸਕੀ ਇਸਕੋ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲਈ ਇਸਕਾ ਬੋਲ ਗਏ इसकी चंगियाई के लिए क्या वचन देना जब मैं हाथ रखकर प्रार्थना करा तो परमेश्वर ने उसी समय मेरे मन में डाला हालेलुया इस बहन का नाम सुविंदर कौर है और जे मक्खनविंडी गांव के रहने वाले हैं और इनकी गवाही जे बता रहे कि एक महीना हो गया था जे बता रहे कि गिरने के कारण इनकी जो डिक्स वो हिल गई थी और जिसके कारण डिक्स में प्रॉब्लम आ गई और मनकों में भी दब आ गई थी और जिसके कारण जब बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकते थे क्योंकि इस प्रॉब्लम के कारण इतनी ज़्यादा इनके कमर में दर्द रहती थी इनकी टांग में दर्द रहती थी बहुत ही ज़्यादा और जे बता रहे कि इसके कारण जे लगातार मेडिसिन भी खा रहे थे पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि इस प्रॉब्लम के कारण जे बेड पर आ गए थे और जे बता रहे कि जे बिल्कुल भी चल नहीं सकते थे बेड से हल्का सा भी कदम नीचे रखते तो इतनी ज़्यादा दर्द इनकी होती थी बहुत ही ज़्यादा जे बता रहे कि इनसे सहने से भी बाहर थी और जे बता रहे कि इसके लिए इन्होंने लगातार मेडिसिन तो खाई इंजेक्शन भी लगवाए पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और इस कारण जे अपने घर में जे बता रहे कि टॉयलेट वॉशरूम जाना भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था और जो बता रहे कि इसके लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ गई थी जो बहुत ज़्यादा परेशान थे और जो बता रहे कि इसके कारण इनके मन में बुरे बुरे विचार आते थे कि पता नहीं इस प्रॉब्लम के कारण जो सही हो भी पाएंगे कि नहीं बुरे बुरे विचार समझते बुरे बुरे विचार के कईयों को जब डिक्स हिल जाती मनकों में गैप आ जाता तो लोग कई बार वो ऐसा सिस्टम बिगड़ जाता फिर वो चारपाई रह पे रहो क्या हो जाते हैं पता नहीं कितना टाइम लगता लोगों को समझ आ रही है तो इसलिए इनके भी मन में विचार आते कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए क्या ना हो जाए क्योंकि लोगों को इस चीज़ का जो ट्रीटमेंट है बड़ा लंबा टाइम लगता है हाँ आगे बताओ और जो बहन पूरे 15 दिन ही बेड पर थे और घर का कोई भी काम नहीं कर सकते थे इनकी बेटी थी और जो बता रही कि वो 15 दिन तक इनके पास थी क्योंकि उसकी मैरिज हो गई है तो जो बता रही कि 15 दिन तक इनके घर में रुकी और क्योंकि जो कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकते थे और जिसके कारण जो बता रही जो बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि इनकी बेटी इनके पास थी उसके लिए भी जो बहुत ज़्यादा सोचते कि वो जल्दी से अपने घर में जाए और जो बता रही कि जो बहुत ज़्यादा इस तकलीफ में थे पर जब मीटिंग भी अटेंड करते थे संगति में आते थे पर फिर भी इनका विश्वास नहीं बनता था इनसे प्रेयर भी नहीं हो रही थी और जब बता रही कि जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा 19 अगस्त के दिन मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया तो जब खुदावन के दास के द्वारा इनके लिए ले एंड प्रार्थना हुई तो जितना भी हालात था इन पर आया जो कनेक्टिविटी के कारण था पर उसी दिन ही परमेश्वर के दास के द्वारा जब इन पर ले एंड प्रार्थना हुई तो परमेश्वर के दास को खुदावन ने अपने दास को आत्मा में अगुवाई की और जितना जो हालात आया था उसका बताया उसके बारे में इनको बताया कि जे हालात आने का क्या कारण है तो अभी हम इस वीडियो क्लिप को देख सकते हैं और जो हालात किस कारण आया हम उसको भी वीडियो क्लिप में सुनेंगे खुदावन तेरी पावर से तेरी सामर्थ्य से यस खुदा
इसकी डिक्स अपनी जगह आई और इसके मन की जो गायब है वो अपनी जगह आई। इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यस खुदा, इसी क्षण सारी अंधकार की दर्द उखड़े तेरी पावर से। इन द नेम ऑफ जीसस फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस फ्री। चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। धन्यवाद करो कि परमेश्वर तेरा मरना व्यर्थ नहीं है। जो तुसी मेरे लिए कोड़ियां दी मार खादी है, सुनो मैं एक चीज तुहानू दसदा हां, जो मैं प्रार्थना करते समय उस शैतान नू डांट रहा सी। शैतान ने ये बीमारी, ये रोग डिक्स दी क्यों दित्ती? क्योंकि जदों तो इत्थे आ रहे ने, ये परमेश्वर दे रास दियां गल्लां नू समझ नहीं पा रहे, इसलिए आवाई। बोलो की है, सुनो ध्यान नाल, जो सो रहे ने अखां नू खोलो यरी। ये प्रॉब्लम पता क्यों आई? क्योंकि ये प्रभु दे राज दियां गल्लां उदा सच की है। सुनो, आपको पता है ऐसे ऐसे रोग बहुत कुछ लोगों के जीवन में कर देते हैं। बोलो क्या है, लोगों को चार पाई पे क्या कर देते हैं ऐसे रोग जब लोगों को लग जाते हैं। पर तुम शुक्र करो, तुम खुदाबंद में। बोलो क्या हो, तुम खुदाबंद में। तुसी कुछ नहीं मंगना, तुसी कुछ नहीं मंगना, तुसी कहना परमेश्वर मैनू अपने राज्य की समस्त बुद्धि तुसी दे चुके हो। की दे चुके हो? क्योंकि तुसी मेरे पापा लिए मरे हो ते तीजे दिन मरदिया चो नहीं। गलती गलती जो हुई हुई, मेन सबसे ज्यादा है कि परमेश्वर के राज्य की बातों पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मैंने कई बार इन्हें समझाया, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर मुझे बता ये क्या क्या क्यों आया। तो खुदा ने कहा इसलिए है। इसलिए आप में से भी अगर कोई ध्यान नहीं देता तो शैतान पकड़ लेगा। क्या लेगा बोलो? वो पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। पर ये आजाद हो जाएंगे, देखना ठीक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रोज वचन को याद कर। तो सुनो, समझ आई है इस क्लिप से मैं क्या बोल रहा था कि ये हालात क्यों आया? हालात आने का कारण क्या है? क्योंकि ये तो इन्हें कम से कम 7 साल हो गए होंगे। क्यों जी? मैं भी जो मैं जानता हूं ना, इतना टाइम हो गया है ना। हाँ, इतना टाइम हो गया होगा, 7 साल है ना। हाँ, तो सुनो, क्योंकि मैं क्यों पूछ रहा था कि उस दिन जब मैंने ले हैंड की तो मैं बोल रहा था कि ये हालात इनके ऊपर पता क्यों आया? क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य की बातों को अच्छे से समझते नहीं। क्या नहीं समझती? मुझे कैसे पता चला? क्योंकि क्या होता है ना, जब जैसे कई मीटिंग्स में मैंने जैसे जैसे परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है तो मैं लोगों से पूछता हूँ ये बताओ इसका मतलब क्या है। तो मैं, मुझे याद है मैंने कई मीटिंग्स में इनसे भी पूछा तो ये बता नहीं पाए। मैं यो यहाँ पे खड़े होकर आपको जो समझा रहा हूँ तो ये बता नहीं पाए कि मैं क्या समझा रहा हूँ तुम्हें। इसलिए मुझे पता था कि जब ये वचन सुनते हैं तो इन्हें समझ कम आता है, जहाँ इतना ध्यान नहीं लगाते, जहाँ पता नहीं इनका मन नहीं इन्हें बताओ। बोलो क्या? इनका मन इन्हें बताओ। अगर नहीं समझ आता तो किसी को समझ नहीं आती। जब यहाँ पे बैठे हैं, गवाहियाँ सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं तो नहीं समझ आती तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करे, टीम से बात करें कि मैं आती तो ज़रूर हूँ, मैं आता तो ज़रूर हूँ, पर मैं यहाँ पे बैठे मुझे समझ नहीं आ रही। समझ आ रही है? तो उस दिन मैं समझा रहा था कि ये हालात क्यों आया, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य की बातों की अच्छी से समझ नहीं रखते, नहीं रखेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो फिर पकड़ लेगा शैतान। क्या कर लेगा? बहाना ही बनाएगा ना, जैसे मैं लोग गिर पड़े
चोट लगी, डिक्स लगी, मनकों में गैप आ गया, क्या आ गया बोलो, वो तो किसी तरीके कुछ ना कुछ करेगा। पर धन्यवाद है उस परमेश्वर का कि उसने जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरी अगुवाई की कि क्या वचन देना इसकी, इसको ठीक होने के लिए, इसका बोलो क्या है, इसकी चंगियाई के लिए क्या वचन देना। जब मैं हाथ रख कर प्रार्थना कर रहा तो परमेश्वर ने उसी समय मेरे मन में डाला कि ये हालात इसलिए क्योंकि इसे समझ नहीं है, इसलिए इसे बोल, इसे समझा कि क्या करना है। उस दिन फिर इन्हें समझाया क्या करना है, फिर ये रोज डेली जो प्रार्थना के योद्धा, बोलो क्या है, प्रार्थना के योद्धा बनी। प्रेयर मीटिंग है ना जो हम रोज शाम को 7:30 बजे क्या करते हैं, तो उसमें जो जुड़ना शुरू हो गया, मन खुलने लगा कुछ, वैसे भी टीम ने बच्चों ने गाइड किया, समझाया, रोज रोज चाहत करनी है, जो जो भी समझा रहा हूं मैं, मीटिंग को दोबारा सुनना है, ये सारी चीजें ये करने लगे, पहले नहीं कर रहे थे, पर जबकि ध्यान दिया अच्छे से उस प्रेयर मीटिंग में, प्रार्थना के योद्धा में रोज रोज जुड़ने लगे, बैठकर सीखने लगे, समझने लगे, अपने मन को खुदा के साथ लगाने लगे। समझ आ रही है, पता परमेश्वर का वचन आपको पता कैसे काम करता है, जैसे सेम हम एक पौधा लगाते हैं और उसको रोज पानी डालते हैं, उसी तरह से काम करता है। क्या करता बोलो, जब हम रोज रोज सुनते हैं, रोज रोज प्रैक्टिकल करते हैं, तो ये ऐसे काम करता है। क्या करता बोलो, ये ऐसे काम करता है। तो ये करने लगे, क्या करने लगे बोलो, जो मैंने समझाया था, क्योंकि उस समय जब आपने देखा इसे कितनी तारीख की ये ले हैंड थी, 18 अगस्त की। आज कितनी है, आज कितनी है, 15 में भी महीना होने वाला पूरा, बोलो क्या है, महीना समझ लो हो गया। और ये पता कितनी तकलीफ में थी उस दिन, कैसे इनके, क्योंकि जिसकी रीढ़ की हड्डी के मनकों में गैप आ जाता, डिक्स हिल जाती है, उसकी ना दर्द की ऐसे चीखे निकलती हैं, बुरा हाल होता है। क्यों जी, कितनी दर्द थी, लोगों को बताओ थोड़ा सा। बहुत पीड़ होती है, मेरा तो सर जी मेरे को सोता नहीं जाता, मेरे रात इन्होंने सौन नहीं हम दें। ओह देख लो जी, कुर्सी में तड़ाई है, कुर्सी बहती रही बाथरूम करनी थले, रात दिन कहते इतनी दर्द होती थी, मुझसे सोया में नहीं जाता था, इतनी तकलीफ में थी रात दिन। तुम सोचो क्या उस समय इनके ऊपर बीतती होगी, बोलो क्या है? क्या बीतती होगी, समझ आ रही, बाथरूम टॉयलेट बेड पे, फिर थोड़ा सही हुए, फिर एक चेयर काट के बैठाते थे उस पे, कितनी कैसे होगी ना जिंदगी। पर धन्यवाद है उस परमेश्वर का, बोलो क्या है, क्योंकि उन दिनों में ये बहुत तकलीफ में थे, पर सही समय पे परमेश्वर अगर मुझे मेरे मन में ना डालते कि कैसे ये सही होगी, कैसे ठीक होगी, इसे ये वचन दे, बोलो क्या है, क्योंकि परमेश्वर का ना बल से ना शक्ति से, मेरा काम मेरी आत्मा से होगा, तो मैं जोर लगाता रहता, प्रार्थना करता रहता, धक्के वाली चीज करता, तो होना था कुछ, क्योंकि आत्मा से आसानी से हो जाता है। आत्मा का वचन दिया कि क्या करना है, परमेश्वर ने कहा क्यों हालात है, क्या कारण है, इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि ध्यान दो, नहीं समझ आती प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो, और जब समझाया तो आज आपके सामने है। अब तो नहीं कोई दर्द आपको पता, ये उस दिन देखा ये ऐसे हो गए, कुबड़े हो गए ऐसे ऐसे चलते थे हाथ रखकर, क्या चलते थे बोलो, ऐसे हाथ रखकर टांग पे ना ऐसे चलते, कुबड़े हो गए, क्योंकि हालत ही बहुत खराब हो गई। और प्रेर जी इन्होंने ये भी बताया कि पहले लगातार मेडिसिन खा रहे थे, मुंह भी लगा रहे थे, पर जिस दिन ले एंड हो गई उस दिन से बाद में इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया था। लो जी देख लो, पहले मेडिसिन खा रहे थे, मुंह लगा रहे थे, कोई फर्क नहीं, पर जिस दिन ले हैंड हुई उस दिन से बंद कर दिया, तो खुदा ने शू लिया ना अपना वचन देकर।
बोलो गए, अभी कोई दर्द तो नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है? नहीं। हाँ नहीं। देख लो, थोड़ा चल कर दिखाओ लोगों को, चलो चलो चलो, बस सीधे आ जाओ कैमरे की तरफ आओ। हाँ सीधे सीधे आओ, सीधे आओ, चलो 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 चलो, तारीफ करो। बटे बटे रोग बटिया बीमारियां, बटे बटे रोग, तारीफ करो जोर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। रोग बटिया बीमारियां, बटे बटे रोग बटिया बीमारियां, ओ दे लहू विच छुप गईया ने, ओ दे लहू